देखिए यहाँ तो डेटा के अभाव में बहुत ज्यादा मैं इनको नहीं बता पाऊंगा। आई थिंक इस पे अभी तो चार्ट्स बनने दें और उसके बाद इस पे कॉल लें। ओके ठीक है जी। चलिए तो शिवानी जी के दोनों शेयर्स हो गए, अब हम आगे चलते हैं। राजेश मिश्रा जी अब हजारीबाग से हमारे साथ, बिहार से। राजेश जी, नेस्ले इंडिया के 5 शेयर हैं आपके पास, और अगर मैं सही हूं तो क्या ये 21,050 के भाव पे आपने लिए? जी जी गुड इवनिंग एवरीवन। जी 5-6 नेस्ले का शेयर है 2150 के रेट पे। एक्चुअली मैं हर 2 महीने पे या 3 महीने पे एक शेयर लास्ट एक साल से मैं ले रहा हूँ। ओके तो ये आपका एवरेज प्राइस है 2150, 21,050 माफ कीजिए। हाँ भारत डायनेमिक पे भी एक शेयर ये है चला चाहता हूँ। हाँ, उस पर भी आपको देते हैं। तो नेस्ले पे पहले बात कर लेते हैं। अभी आपको करीब 4,400 या उससे ऊपर का थोड़ा प्रॉफिट है पर शेयर पर, और 5 शेयर की क्वांटिटी है इनके पास, तो नेस्ले में इन्हें क्या करना चाहिए राजेश जी? देखिए इनकी बातों से तो लग रहा है फिर अगर इनका टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म है, अगर 12-18 महीने प्लस वाले वर्जन में खड़े हैं तो आई थिंक बिल्कुल ट्रेड में बने रहना चाहिए, और चाहे तो अपने कॉस्ट के आसपास अगर स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहे तो रखें। अब डिपेंड ये करेगा कि कितने लंबा इसको होल्ड करना चाहते हैं। अगर ये लंबा होल्ड करना चाहते हैं तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो फिर अगर सिप कर रहे हैं तो उस डिसिप्लिन को फॉलो करें। मैं किसी का डिसिप्लिन कभी भी नहीं बोलता हूं तोड़ने के लिए। अगर डिसिप्लिन से सिप कर पा रहे हैं और एक स्टॉक इन्होंने सोचा है कि भाई इसमें मैं करूंगा तो फिर बढ़ा रहेगा तो भी ये लेंगे, घट जाएगा कभी किसी कारण से तो भी ये लेंगे, तो ये अच्छी बात रहेगी। बट आई थिंक अगर इनके पास दायरा लंबा है और सिप कर रहे हैं तो नेस्ले में मेरे ख्याल से करते रहें, ट्रेड में बने रहें। नेस्ले में ट्रेड में बने रहिए। दूसरा ये भारत डायनेमिक्स के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे थॉट यही है कि फ्लेवर पूरा सेक्टर का है और बढ़िया से चल रहा है स्टॉक। डेटा उतना लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 3-4 साल के चार्ट थे इसमें और अभी लास्ट 2 साल में इसने ट्रैक्शन पकड़ा है। 4 साल तक तो ये कुछ भी नहीं कर रहा था, तो आई थिंक फिलहाल यहाँ पे भी ट्रेड में बने रहे और मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहे ट्रेलिंग तो तकरीबन 1300 के आसपास आएगा, तो आई थिंक 1294 के आसपास कहीं अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहे तो रखें और ट्रेड में बने रहें। चलिए तो भारत डायनेमिक्स में भी ट्रेड में बने रहें, ये सलाह आपको दे रहे हैं सर्वेन जी। ओके सर, हो गया ये। अविनाश सिंह जी हमारे अगले कॉलर आ चुके हैं हमारे पास और इनके सवाल लेंगे। तो अविनाश स्वागत है आपका, बताइए क्या करना, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? नमस्ते सर। जी सर, मेरे पास एमएसडी प्रॉपर्टीज के हैं 500 शेयर 139 के रेट पे। ओके, और नाटको फार्मा है सर 100 शेयर 765 पे। ठीक है, चलिए नॉटको फार्मा पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 100 शेयर हैं और 13.75 रुपये का प्रॉफिट है। यहाँ पर क्या करना चाहिए सर इनको नॉटको फार्मा में? अभी हल्के प्रॉफिट पे बैठे हैं ये इस पे। देखिए फार्मा स्पेस स्ट्रगल किया, बट आई थिंक अगर जब बाजार अब चल रहा है और फार्मा भी धीमे धीमे पिकअप कर रहा है तो ये कैचअप का गेम यहाँ पे डेफिनेटली इनको थोड़े पैसे बनवा देगा। और अगर मैं एकदम रिसेंट पास में भी जाके देख रहा हूँ 2-3 महीने पहले तो मुझे दिख रहा है कि भाई 900-920 के स्तर थे यहाँ पे स्टॉक के, तो आई थिंक डेफिनेटली वो पुलबैक में वो नंबर्स कहीं इसके द्वारा आ सकते हैं। फिलहाल अपने लंबी अवधि के एवरेजेस के आसपास अच्छा सपोर्ट ले रहा है तो आई थिंक यहाँ ट्रेड में बने रहे, कॉस्ट के आसपास या उससे 10-1 रुपये ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगर इनका दायरा 3-6 महीने वाला लग रहा है मुझे इनकी बातों से तो आई थिंक वो ट्रेड में बने रहे और कॉस्ट से 10 रुपये एक स्टॉप लॉस ऊपर लगा के रखें। ऊपर में इनको वापस 900-920 के स्तर आते हुए दिखने चाहिए, 1-3 महीने लगेंगे बट डेफिनेटली ट्रेड में बने रहना चाहिए। ये तो बने रहे नेटको फार्मा में। और दूसरा हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज। जी देखिए इसमें तो आज का सेटअप अगर आज का देखा जाए तो आई थिंक आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चला है। वैसे तो वॉल्यूम्स बहुत इरेटिक रहते हैं, आज ऑलमोस्ट अगर आप देखें डेली वॉल्यूम का काफी ज्यादा 4-5 गुना वॉल्यूम यहाँ पे हुआ है। तो अब यही देखना पड़ेगा, अभी डिलीवरी डेटा देखेंगे आज कि कैसा इसमें कितना डिलीवरी गया, बट ये आई थिंक जितना भी लिमिटेड डेटा इसमें भी है 20 के बाद से 2020 के बाद से वहां से अच्छा ही आज ने एक वॉल्यूम लेड ब्रेकआउट जिसको हम बोलते हैं किया है। तो यहां से भी मैं यही बोलूंगा कि 1-3 महीने और यहां पे बने रहे और ऊपर में 175-180 के टारगेट्स भी यहां पे मुझे आते हुए दिखते हैं तो ट्रेड में बने रहे और कहीं एक स्टॉप लॉस लगा के रखें 135 के नीचे। सो 134-140 पे अगर स्टॉप लॉस एक लगाएंगे तो आई थिंक ट्रेड में इनको और 20-25 पॉइंट यहाँ कमाने के मौके मिल सकते हैं। राइट, 134-140 का स्टॉप लॉस और 175 से 180 के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। बढ़िया, चलिए हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज की भी बात हो गई। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और सवाल रहेंगे तो कहीं मत जाइए, हम तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक कल के बाजार में। वक्त है कि हम थोड़े बहुत सवाल लें सोशल मीडिया से, जो हम आपसे कह रहे हैं कि हम एक्स पर और फेसबुक पर लाइव हैं। तो अब एक्स से एक सवाल ले रहा हूँ, मनिल अरोड़ा साहब का है ये। जमुना ऑटो के 100 शेयर इनके पास 108 के भाव पर और ये 6 महीने के लिहाज से व्यू चाहते हैं इस पे। सर सरवेन जी,
जी देखिए यहाँ पे एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद कहीं कंसोलिडेशन चल रहा है, तो आई थिंक इस पर्टिकुलर ट्रेड में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में है और 100 रुपए से लेके तकरीबन 110-115 रुपए तक ये एक रेंज बनी हुई है। आई थिंक मोस्ट लाइकली ब्रेकआउट अपसाइड में ही आना चाहिए, तो आई थिंक कहीं इनको 100 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के आई थिंक ट्रेड में इनको बने रहना चाहिए। तो 9980 का एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में बने रहे 6 महीनों के लिए, और बेस्ट केस में इनको आई थिंक 120-125 के टारगेट्स मिल जाएंगे। तो 10-1 रुपए का स्टॉप लॉस है और 20 पॉइंट तकरीबन कमाने की जगह है, 20-22 पॉइंट, तो ट्रेड में बने रहना चाहिए। जमुना ऑटो में बने रहने की सलाह यहाँ पे। अब एक जय भानु साहब का सवाल है, शुड आई एंटर विप्रो एंड बोरोसिल रिन्यूएबल एट करंट लेवल और वेट फॉर द सी मोर करेक्शन? तो सर विप्रो बोरोसिल पे आपकी सलाह चाहते हैं। देखिए आईटी स्पेस लगड़ रहा है और वो कैचअप वाला गेम जो अभी हम फार्मा में बात कर रहे थे पॉसिबली यहाँ चला तो है, बट फिलहाल आप देखिए 380 वाला विप्रो जो है ऑलरेडी 460 होके आया और उस स्टॉक के लिए काफी अच्छा रिटर्न है ये साल का। तो आई थिंक थोड़ा इसको मूव को पचाने दें और देख लें कि ये आईटी की जो रैली है क्या ये रियल है और क्या ये टिकेगी। तो आई थिंक अगर पीछे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो इस समय रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, नो डाउट स्टॉक अच्छा है बट रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। तो आई थिंक अगर 400-420 के एरिया में कभी मिले तो उस समय डेफिनेटली विप्रो को देखा जा सकता है, बट अभी नहीं। ठीक है जी, तो ये सवाल मैंने लिए एक्स से और फेसबुक से, और कुछ और सवाल हमारे पास हैं वो हम ले लेते हैं। रिकेन पटेल साहब का है सूरत से, एसएमएस है ये, आप पूछ रहे हैं सेल के 1100 शेयर हैं एट द रेट 9220 और 1885 का प्रॉफिट भी है इनको, और दूसरा शेयर इनके पास हैप्पीएस्ट माइंड का है 200 शेयर हैं 998 के भाव पर यहाँ, लेकिन 72 रुपये का लॉस हो गया। चलिए पहले ये लॉस वाले शेयर की बात कर लेते हैं, तो हैप्पीएस्ट माइंड में क्या करना चाहिए सरविंद जी इनको? देखिए हैप्पीएस्ट माइंड में मेरे हिसाब से फिलहाल बने रहे, एक बढ़िया कंसोलिडेशन यहाँ पे ऐसा तो लग रहा है कंप्लीट हो गया, ब्रेकआउट नहीं हुआ है उसका, बट अब पैटर्न के साथ जाऊंगा, लगता तो है ऐसा पैटर्न देख के कि यूजुअली 7 out of 10 7 में से 7 बार ये ब्रेकआउट ऊपर के देता है इस तरह का पैटर्न। तो आई थिंक जब तक 820-840 के ऊपर टिका हुआ है हैप्पीएस्ट माइंड, आई थिंक मौके हैं यहाँ पे इनके पैसे ऊपर में बन जाए, और इनफैक्ट किसी कारण से इनको अगर उन एरियाज में जाता हुआ दिखे ये 820-840 की रेंज में, तो उस समय अगर पॉसिबली थोड़ा अगर ये एवरेज भी करना चाहे तो कर सकते हैं, और उस समय जो नई क्वांटिटी लेंगे उसमें जरूर स्टॉप लॉस लगाना है। तो 794 का स्टॉप लॉस रहेगा नई क्वांटिटी पे, पुरानी पे ये बने रहे, अगर नई क्वांटिटी किसी कारण से इनको लेने मिल गई तो वो भी लें, और मुझे लगता है कि 1020-1050 के टारगेट्स यहाँ पे नेक्स्ट 1-3 महीने में या 4 महीनों में यहाँ हैप्पीएस्ट माइंड में ऊपर में आने चाहिए। चलिए 1020-1050 अगले 4-6 महीने में पेसमेंट में दिखने चाहिए, नई क्वांटिटी अगर खरीदते हैं, ये डिस्क्लेम मतलब अलग से बता रहे हैं आपको, 794 का स्टॉप लॉस उसमें जरूर लगाइएगा और बाकी ट्रेड में बने रहें। चलिए तो इसी के साथ वक्त हो गया है आज के कार्यक्रम को समाप्त करने का, सरवेन जी बहुत शुक्रिया आप पधारे, लेकिन